हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये इस्कॉन पगड़ी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है, और उसको मैंने एक कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट कर लूँगी। अब मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पर मैं 1 इंच पे कट्स लगाऊंगी। ये देखिए मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसे ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक राउंड शेप दूंगी। ये देखिए मैंने इसको राउंड शेप दी है और मैं इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। ये हमारा पगड़ी का बेस रेडी हो गया है। अब ऊपर से जो कटिंग हमने करी थी उसको हम ऐसे फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा पगड़ी का बेस रेडी हो गया है। अब हम एक नेट का पीस लेंगे और उसमें ऐसे हल्के से चुन डालेंगे और इसे पगड़ी के अगले हिस्से पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हम पूरी पगड़ी पे इसे फैलाते हुए पेस्ट करेंगे। अब हमने फ्रिल बनाने के लिए यहाँ पर येलो कलर का एक फैब्रिक लिया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और फ्रिल बनाएंगे। अब हम एक निडल की हेल्प से इसे बांध देंगे। हमारी एक फ्रिल रेडी हो गई है। अब हम ब्लू कलर की भी एक फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए हमने 3 फ्रिल रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें पगड़ी के ऊपर अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ।
ये देखिए हमने यहाँ पर तीन फ्रिल्स को अटैच कर लिया है। ये देखिए हमारा बेस बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर लेंस लूँगी और इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगी। अब यहाँ पर साइड में मैं बॉल चैन लगा रही हूँ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये देखिए मैंने बॉल चैन हैंग कर दी है यहाँ पर। अब हम सेंटर में यहाँ पर मिरर पेस्ट करेंगे, जो पत्ती वाला मिरर आता है, और उसके ऊपर हम रिंग पेस्ट करेंगे। अब मिरर के फ्रेम को भी हम स्टोन्स की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर स्टोन को पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं एक आर्टिफिशियल फ्लावर साइड में पेस्ट करूँगी। ये देखिए आप किसी भी कलर का यहाँ पर फ्लावर पेस्ट कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। और अब मैं जो मैंने फ्रिल बनाई थी उसके ऊपर सीक्वेंस को पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पूरे में सीक्वेंस लगा लिया है। अब मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ ऊपर पत्ती शेप के जो स्टोन्स आते हैं उनको पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए हमारी एक कलगी बनके रेडी है। मैंने इस पे पत्ती शेप के स्टोन्स भी लगा लिए हैं। ये देखिए ये अभी कितनी प्यारी लग रही है। अभी हम इसे और डेकोरेट करेंगे। तो जो पीछे वाली कलगी है इसके ऊपर मैं रिबन के फ्लावर्स को अटैच करूँगी। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर पिंक कलर के रिबन फ्लावर्स लिए हैं और मैं उनको पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए पगड़ी अब और सुंदर लग रही है। अब यहाँ पर मैं सीक्वेंस को पेस्ट करूँगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक पैच लगाऊंगी जहाँ मैंने बॉल चैन हैंग करी थी उसके ऊपर मैंने एक कुंदन का पैच लगाया है। ये देखिए और अभी मैं यहाँ पर मोर पंख को अटैच कर रही हूँ। ये देखिए और हमारी इस्कॉन स्टाइल की प्यारी सी पगड़ी रेडी है। हमारे कान्हा जी जब इसे पहनेंगे तो और सुंदर लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और क्रिएटिव संसार को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।